सबसे पावरफुल एडिक्शन होता है गेम। तो सुबह सुबह वाराणसी के घाट पे आपको बेजुबान जानवर काफ़ी मिलेंगे, तो अच्छा है आप जितना मदद कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको एक्सपीरियंस कराते हैं वाराणसी के तुलसी घाट के अखाड़ा का। तो इस अखाड़े में हम कुश्ती सीखने की इच्छा से आए थे और यहाँ के गुरुजी ने हमको मना भी नहीं किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरा शुरुआत इस अखाड़े को नरम करके खोदने को था, और लेकिन इसमें क्या था कि ये पावड़ी जो है वो 25 किलो का था, जो काफ़ी भारी है। अभी तो एक लाइट वैसे ताकत कहाँ लगेगा आपका, ये पूरा उठा के मारा जाता है। जी ठीक है, थोड़ा जाओ, पूरा खा लीजिए। चलिए खाली नहीं, पूरा खा लीजिए, पूरा खा लीजिए। इतना वजह नहीं, अरे तो कम करवाओगे 22 के जी करें। तो अब बारी था शोल्डर के वर्कआउट का। लेकिन मैं एक चीज तो मान गया, मैंने लाइफ में जिम बहुत ज्वाइन किया है, लेकिन ये जो देसी कुश्ती का वर्कआउट है मेरे बाप, बहुत ही मुश्किल है। ये जो हो रहा है ये नहीं मिल रहा है, ये करना रखिए। तो गुरु जी दिखा रहे हैं समतोला को कैसे यूज किए जाते हैं। जब ये नीचे आवे तो सर को झुका लेना, फिर गर्दन के पीछे से मूवमेंट होना चाहिए। चलो बेटा सर, सुनो ये उधर से आएगा, उधर से सीधे हो जाइए। जब ये आओ तो आप खड़े हो जाइए, उड़ जाइए। ये चेहरा जब ऊपर आओ तो सीधा हो जाइए। हाँ ये अभी डर रही है, यहाँ भी घर जाए तो सर पीछे से पूरा। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो लगे हाथ गुरुजी ने हमें कुश्ती के दाव पेच भी सिखाया। लेकिन जब ऐसे होते तो मजा नहीं आता, अब जैसे ऐसे ये आप मत इतना हो या इतना तो मेरे भाई को कुश्ती का ज्यादा ही जोश चढ़ा था। तो गुरु जी ने भाई का जोश जल्दी ही फीका कर दिया। जा एक तो राउंड घूम, जा वहां से घूम के आ, ठीक से पकड़ो पांव को। तो गुरु जी को इस उम्र में इतना फिट देखने के बाद मुझे लगा कि हमारा जो देसी कुश्ती वर्कआउट है वो सबसे बेस्ट है और आपको लंबे टाइम के लिए फिट रखता है। तो काफ़ी खतरनाक कुश्ती का वर्कआउट करने के बाद मन कर रहा है कि गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी का आनंद ले। चलो आपको दिखाते हैं, यहाँ काफ़ी फेमस कॉफ़ी और चाय मिलता है, दिखाते हैं। चुस्की तो हम ही ले सकते हैं, आप लोग खाली उस देखने का मजा लें। बढ़िया चाय, ये चाय है ना, मुझे 80 घाट में थी भाई साहब की, मतलब गजब। तो 80 घाट में आप चाय की चुस्की लेते लेते यहाँ के पक्षियों का आवाज़ और यहाँ के लोकल के गाने का आवाज़ भी आप
मज़े ले सकते हैं। तो जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और मेरे साथ बने रहिए और मेरे अगले जर्नी के लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए।